जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किस तरह से होमिंग इंस्टिंक्ट होती है, जो सैल्मन जो फ़िश होती है, वो जो एनाड्रोमस जो फ़िश होती है, इसमें किस तरह से माइग्रेशन इवेंट ये परफॉर्म करती है। तो ये जो फ़िश होती है ये ओशन और रिवर के बीच में माइग्रेट करती है। अब ये जो एडल्ट जो फिशेज़ हैं ये स्पॉनिंग के लिए जाती हैं फ्रेश वाटर में, और फिर वहाँ पर इनका मैकेनिज़म होता है, एग लेइंग का होता है, फिर उनकी दूसरी डेवलपमेंटल अवस्थाएं होती हैं, फिर वो अल्टीमेटली एडल्ट अवस्था में ओशन में माइग्रेट करती हैं। किस तरह से ये ओशन और रिवर में माइग्रेशन करती हैं, क्या मैकेनिज्म है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे होमिंग मैकेनिज्म में। तो ये जो पैसिफिक जो सैल्मन होती है फेमस होती हैं अपने होमिंग माइग्रेशंस के लिए। ओशन में इनका जो समुद्र होता है वो इनका एक फीडिंग ग्राउंड होता है, और जो नदी होती है वहाँ पर ये स्पॉनिंग करती हैं। इस माइग्रेशन के दौरान ये जो सैल्मन जो मछली है ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है अलग अलग प्रकार के हैबिटेट्स, कई सारे ओशंस, कई सारी लेक्स, कई सारी रिवर्स, और उसके बाद में अपने कुछ ओरिएंटेशन क्लूज़ के द्वारा या उसके जो सेंसरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं नेविगेशन की, उसकी जो इम्प्रिंटिंग हो रखी है, और बहुत सारे चैलेंजेस को क्रॉस करते हुए वो होमिंग अपने उस डेस्टिनेशन में या होमिंग में वापस पहुंच जाती हैं, जिससे कि एक तरह का एक स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन पाया गया है इनके माइग्रेशन रूट में। तो अगर हम इसका जीवन चक्र देखें इस मछली का, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो एडल्ट जो सैल्मन है ये समुद्र में रहती है 2 से 7 साल तक, और ये एडल्टहुड में जाने के बाद में यहाँ पर ये स्पॉनिंग करने के लिए ये रिटर्न करती है नदी में, और नदी में ये जाती है तो ये यहाँ पे माइग्रेशन करेगी, और उसके बाद में ये एग्स ले करेगी। जो एग्स हैं वो ग्रो होने चाहिए, इनक्यूबेट होने चाहिए, लगभग 3000 एग्स का एक झुंड पाया जाता है जो फ्रेश वाटर जो नदियाँ होती हैं उनमें। और हो सकता है कि एग्स को बहुत ज़्यादा ख़तरा भी रहता है, ख़तरा इसलिए भी रहेगा कि बहुत सारे टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, बहुत सारा जो वातावरण होता है नदी का उसमें चेंजेस हो रहते हैं, पोल्यूशन हो रखा होता है, कुछ दूसरी मछलियां हैं या दूसरे जो प्रेडेटर्स हैं वो इन एग्स को डाइजेस्ट कर जाएंगे। उसी तरह से उसके बाद में एक अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं एल्विन्स। ये जो एल्विन्स हैं ये इन एग्स से हैच करेंगे, इनको भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का ख़तरा होता है, या हम कहें कि पोल्यूशन का ख़तरा होता है, या प्रीडेटर्स का इसको ख़तरा होता है। फिर ये जो एल्विन्स हैं ये यहाँ पे लिव करते हैं फ्रेश वाटर में जुविनाइल्स के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं फ्राई जो होती है वो लिव करेगी, ग्रो करेगी नदी में, और यहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है प्रीडेटर्स से, अपने निवास स्थान जिसको हम कहते हैं हैबिटेट उसका डिस्ट्रक्शन से, या जो डिलेज होते हैं डाउनस्ट्रीम माइग्रेशन से उससे। उसके बाद में यहाँ पे इनका जो माइग्रेशन होता है यहाँ से ये माइग्रेट करते हैं कुछ नमकीन पानी की ओर, और जब ये नमकीन पानी की ओर मूव करते हैं तो फ्राई जो हैं वो अब रूपांतरित हो जाते हैं स्मॉल्ट्स में, और ये जो स्मॉल्ट्स होते हैं ये अडेप्टेड होते हैं सॉल्ट वाटर में, सॉल्ट वाटर जो कि लगभग समुद्र से थोड़ा सा मिलता जुलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ पे नदी समुद्र में मिलती है वो जो हिस्सा होता है हम उसको कहते हैं एस्चुरी। तो एस्चुराइन जैसा एक वातावरण होता है सॉल्ट का, जहाँ पे कि स्मॉल्ट्स ग्रो करते हैं। अब ये जो स्मॉल्ट्स हैं ये ग्रो करके और रूपांतरित होते हैं एडल्ट सैल्मन में, और ये जो एडल्ट सैल्मन में रूपांतरित होंगे तो ये कहाँ होंगे, समुद्र में। तो ये वापस से स्मॉल समुद्र की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरह से पूरा एक जीवन चक्र सैल्मन मछली का पूरा होता है, जिसमें कि एडल्ट अवस्थाएं हम देखते हैं समुद्र में होती हैं, और फिर बाकी की जो अवस्थाएं हैं डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं वो फ्रेश वाटर में संपन्न होती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जो एडल्ट्स हैं, तो यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हो कि एडल्ट जो मछलियाँ हैं वो 1 से 5 साल तक समुद्र में हैं, और फिर वो स्ट्रीम में या नदी में वापस जाएंगे। एडल्ट जो होती हैं वो चेंज करती हैं जैसे ही वो फ्रेश वाटर को एंटर कर देती हैं।
एडल्ट नॉर्मली दूसरे कलर में होंगी, लेकिन जैसे ही वो नदी में एंटर करेंगी उनका कलर में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, और ये एडल्ट जो हैं वो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पूरा करके नदी में आते हैं। अब ये यहाँ पे ये जो एडल्ट सैल्मन हैं वो स्पॉनिंग जो बेड्स हैं उनको हम रीड्स कहते हैं। इन रीड्स में वो अपने एग्स को यहाँ पे छोड़ते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे जो रीड्स हैं वो उनका कंस्ट्रक्शन क्लीन ग्रेवल पर होता है, मतलब एकदम साफ सुथरा जो ग्रेवल है वहाँ पे हम इन रीड्स को देख सकते हैं। और ये जो एग्स हैं ये डिपॉजिटेड रहते हैं और रॉक से कवर्ड रहते हैं। 3000 के करीब ये रीड्स एक सैल्मन मछली ले करती है। अब ये जो एग्स हैं आप देख सकते हो कि एग्स जो हैं वो स्टे करते हैं ग्रेवल में 2 से 3 महीने के लिए। हैचिंग से पहले 2 से 3 महीने तक ये सैल्मन के एग्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, और इस ड्यूरेशन में वो डेवलपमेंट उनका होता है एम्ब्रियोज में। आप इनकी आँखों को बहुत स्पष्ट देख सकते हो, ब्लैक डॉट्स के रूप में वो दिखाई दे रही हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में। इन सभी एग की अवस्थाओं में एवरेज जो एग्स हैं लगभग 3000 का एक झुंड होता है जो एक की एक मछली यहाँ पे ले करती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अवस्था आती है उसको हम कहते हैं एल्विन। एल्विन जो है वो हैचिंग के बाद में डेवलप होती है। ये यंग सैल्मन हैं, छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, रेड कलर के दिख रहे हैं, और ये यॉक सैक से अटैच रहते हैं। अभी भी वो अपना खाद्य पदार्थ यॉक सैक से प्राप्त करते हैं। एल्विन्स रहते हैं 1-2 महीने में ग्रेवल में, उसके बाद में ये स्विम करके ऊपर की ओर आ जाते हैं नदी में। अब जब वो स्विम करने लग जाते हैं तो वो कहलाते हैं फ्राई। नेक्स्ट अवस्था आती है फ्राई। ये जो फ्राई हैं वो 1 से 2 इंचेस इन लेंथ होते हैं, और जब ये एमर्ज करते हैं उनको हम कहते हैं सैक फ्राई, क्योंकि यॉक सैक से निकल के आए हैं। यॉक सैक न्यूरिशमेंट दे रहा था, अब यहाँ से आए हैं तो हम इनको कहेंगे सैक फ्राई, और इस तरह से ये माइग्रेट करेंगे फ्राई। तो फ्राई के बाद में नेक्स्ट जो अवस्था है जो कि यंग सैल्मन बन गया है, 2 से 5 इंच का बन गया है, लेकिन अब ये थोड़े छोटे हैं आकार में, 2 से 5 इंच के हैं, तो हम इनको इनके अंदर वर्टिकल लाइंस या वर्टिकल बार्स आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रही हैं कि सीधी रेशेदारी कुछ आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं। इसको कहते हैं पार मार्क्स। इसलिए इस अवस्था को, इस डेवलपमेंटल अवस्था को जो फ्राई के बाद आ रही है, हम इसको पार कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको खूब सारे लाइंस के रूप में हमें बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे ये पार मैच्योर होगा, ये अवस्था मैच्योर होगी स्मॉल्ट में, तो ये जो आपको बैंड दिखाई दे रहे हैं जिनको हम पार मार्क्स कहते हैं, ये यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो अवस्था आती है उसको हम कहते हैं स्मॉल्ट। तो जो सैल्मन जो है वो जब प्रिपेयर करेगी माइग्रेट करने के लिए फ्रॉम फ्रेश वाटर टू ओशन, अब उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस नदी में पूरा हो चुका है, अब वो ओशन में जाएगी। जब वो ओशन में जाएगी तो उस अवस्था में थोड़ा सा पानी नमकीन होगा, वो अवस्था जब नमकीन पानी में जाएगी उसको हम स्मॉल्ट कहेंगे। स्मॉल्ट थोड़े से बड़े आकार के होते हैं, स्मॉल्टिंग प्रोसेस से डेवलप होते हैं, ये 4 से 10 इंच के होते हैं। अब ये पार मार्क्स इनमें से हट जाते हैं, बॉडी सिल्वर कलर की हो जाती है, जो कि ओपन ओशन या एस्चुरी में उनके लिए हेल्पफुल होती है। एश्चुरी के बाद में ये जाते हैं एडल्ट अवस्था में, अब समुद्र में जाएगी। अब ये 80% अपना जीवन काल समुद्र में एडल्ट अवस्था में बिताती है। 1 से 5 साल तक वो समुद्र में रहेगी। डिपेंड करता है कि सैल्मन की कौन सी प्रजाति है, कौन कौन से एनवायरमेंटल कारक उसको प्रभावित कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि जो सैल्मन जो मछली होती है वो बहुत सारा डिस्टेंस कवर करती है, रशिया में, जापान में, अलास्का में, और वापस वो अपने उसी होम में, उसी नदी में आके वो वापस से अपना ब्रीडिंग ग्राउंड में आ जाती है। कमर्शियल और स्पोर्ट पर्पसेस के लिए भी सैल्मन मछली का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो हमने पार्ट ए में आज डिस्कस किया कि किस तरीके से ये जो माइग्रेशन या जो होमिंग इंस्टिंक्ट होती है सैल्मन में वो डेवलप होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।